बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद सैफ नवाज़ आज प्रिसीशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक नया हाउसिंग सोसाइटी टूर लेके आ रहा हूँ। आज जिस सोसाइटी का हाउसिंग सोसाइटी टूर हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इस सोसाइटी का नाम कॉर्निश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि सेक्टर 17A स्कीम 33 के अंदर मौजूद है। प्राइसेस से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें व्यूवर्स, इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर कॉर्निश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि सेक्टर 17A स्कीम 33 के अंदर मौजूद है, अगर इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट साइजेस के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर 140 गज, 144 गज, 170 गज और 200 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट साइजेस मौजूद हैं। और अगर कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर कुछ 533 गज के कमर्शियल प्लॉट्स भी मौजूद हैं। अगर कॉर्निश सोसाइटी के अंदर मौजूद रोड साइजेस के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर सबसे छोटा रोड जो मौजूद है वो 30 फीट रोड मौजूद है। तो 140 गज के घर के सामने जो है 30 फीट रोड मौजूद है, जो कि सोसाइटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर कॉर्निश सोसाइटी के अंदर मौजूद यूटिलिटीज़ के एतबार से बात की जाए तो यहाँ पे पानी और बिजली मौजूद है, गैस फिल वक्त मौजूद नहीं है। अगर कॉर्निश सोसाइटी के बारे में बात की जाए तो आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है, ये एक छोटी सी सोसाइटी है और एक वेल मेंटेन्ड गेटेड कम्युनिटी है। अगर कॉर्निश सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सोसाइटी मोस्टली पैक हो चुकी है और इसके अंदर नए घर तामीर हो रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट के एतबार से बात की जाए तो ये सोसाइटी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। Thank you.
अगर कॉर्निश सोसाइटी की अप्रोच के बारे में बात की जाए तो इसकी अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। ये सोसाइटी हाईवे के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। इस सोसाइटी के बिल्कुल सामने 100 फीट चौड़ा रोड है, जो कि आपको, अगर आप पीलीभीत की साइड से आ रहे होंगे तो आप लोग राइट हैंड साइड पे मुड़ेंगे तो इस रोड पे आ जाएंगे, और अगर आप निवी मर्चेंट की साइड से आ रहे हैं तो आप इस रोड के लिए लेफ़्ट मुड़ेंगे तो सीधा इस सोसाइटी की तरफ आ जाएंगे। तो अगर अप्रोच के एतबार से बात की जाए तो ये हाईवे के बहुत ही करीब है, इस वजह से ये सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त है। अगर कॉर्निश सोसाइटी के अंदर मौजूद एमिनिटीज़ के एतबार से बात की जाए तो आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, पार्क तामीर हो चुका है और राइट हैंड साइड पे मस्जिद भी तामीर हो चुकी है। स्कूल और कम्युनिटी सेंटर के लिए जगह मुख्तस की गई है, मगर वो फिलवक्त तामीर नहीं हुए हैं। अगर कॉर्निश सोसाइटी के अंदर मौजूद रेजिडेंशियल प्लॉट साइजेस के बारे में बात की जाए तो सोसाइटी के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे जो कटिंग मौजूद है वो 200 गज़ की कटिंग है, और अगर सोसाइटी के सेंटर के एतबार से बात की जाए तो सोसाइटी के सेंटर में जितने भी मकानात मौजूद हैं वो 140 गज़ की कटिंग मौजूद है। और अगर कॉर्निश सोसाइटी के अंदर मौजूद कमर्शियल प्लॉट साइजेस के बारे में बात की जाए तो आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, ये जो मेन रोड पे 100 फीट रोड पे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो कॉर्नर पे जगह मौजूद है, ये सोसाइटी के कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद है। अगर कॉर्निश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि सेक्टर 17A स्कीम 33 के अंदर मौजूद है, इसके अंदर अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को केटर किया जाएगा। अगर कॉर्निश सोसाइटी की नेबरिंग सोसाइटीज़ के बारे में बात की जाए तो इस सोसाइटी के बिल्कुल बैक पे पार्क साइंटिस्ट सोसाइटी मौजूद है, और उसके बराबर में मद्रास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 17A मौजूद है। अगर इस सोसाइटी की राइट हैंड साइड पे बात की जाए तो इस सोसाइटी के राइट हैंड साइड पे पार्क ऑडिट मौजूद है,
और अगर लेफ्ट हैंड साइड के बारे में बात की जाए तो इस सोसाइटी के लेफ्ट हैंड साइड पे गवालिया सोसाइटी सेक्टर 17A मौजूद है। अगर आप लोग पार्क साइंटिस्ट का हाउसिंग सोसाइटी टूर देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे जल्द आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर मद्रास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का आप लोग हाउसिंग सोसाइटी टूर देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पे पहले ही लाइव हो चुका है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो पार्ट अब आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, आप लोगों को अपनी स्क्रीन्स पे 200 फीट चौड़ा रोड नजर आ रहा होगा जिस पे टीचर सोसाइटी और नेवी मर्चेंट मौजूद है, जो कि आप लोगों को सीधा हाईवे से लिंक कर रहा है। अगर आप लोग गवर्नमेंट टीचर सोसाइटी या मर्चेंट नेवी सोसाइटी का हाउसिंग सोसाइटी टूर देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप लोग हमारे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। अब आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को स्क्रीन्स पे मेन सुपर हाईवे नज़र आ रहा होगा, तो आप लोग इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सोसाइटी हाईवे से कितना करीब है। जो पार्ट आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे अब देख सकते हैं, इस तरफ गवालियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है और अगर इसके सामने बात की जाए तो इसके सामने पीलीभीत और कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी मौजूद है। अगर आप इन सब सोसाइटीज़ का भी फुल हाउसिंग सोसाइटी टूर देखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे चैनल पर लाइव हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ये वीडियो हमारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इन वीडियोस को फर्दर कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलें व्यूवर्स, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी सी वीडियो में आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।